हेलो फ्रेंड, ट्रिपल एम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्रेप मर्टल प्लांट के विषय में बात करेंगे, जिसे सावनी और जरूल भी कहते हैं। ये पेरिनियल प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग जून से लेकर के सितंबर तक होते रहती है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलती हैं। यहाँ आप तीन कलर के फ्लावर देख रहे हैं, वाइट, पिंक और पर्पल। फ्लावर बंच में आते हैं जो देखने में काफी खूबसूरत होते हैं, और इनके बड्स भी आप यहाँ देख रहे होंगे। ये गोल गोल बड्स कितने प्यारे लग रहे हैं। इसके सिंगल फ्लावर्स सिक्स पेटल्स के होते हैं और बीच में येलो कलर, और पेटल्स के किनारे कुछ इस तरह से फ्रिल की तरह बना हुआ। इस प्लांट का प्रोपेगेशन दोनों तरीके से होता है, सीड से भी और स्टेम से भी। लेकिन जब हम सीड से प्लांट ग्रो करते हैं तो उसमें फ्लावरिंग थोड़ी लेट होती है, 3-4 साल लग जाते हैं। वहीं जब हम स्टेम कटिंग से ग्रो करते हैं तो फ्लावरिंग 1 साल के अंदर अंदर ही होने लगती है। तो चलिए जानते हैं कि इस प्लांट को अगर हम पॉट में लगाते हैं तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कि प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करे। क्रेप मर्टल की टॉल और ड्वार्फ दोनों वेराइटीज मिलती हैं, लेकिन ड्वार्फ वेराइटीज थोड़ा कम मिलती हैं। अगर आपको ड्वार्फ वेराइटीज मिल जाती हैं तो पॉट के लिए वही चूज करें। नहीं मिलने पर आप टॉल वेराइटीज के प्लांट को भी पॉट में लगा सकते हैं, जिसका हम प्रूनिंग से साइज मेंटेन कर सकते हैं। प्रूनिंग करने से ब्रांचेस ज्यादा होती हैं और फ्लावरिंग भी ज्यादा होती हैं। पॉट की मिट्टी तैयार करते समय आप किसी भी तरह के सॉइल में 20% कंपोस्ट मिलाकर इसे लगा सकते हैं। बाद में इसमें महीने में एक बार कोई कंपोस्ट डालें। आप काउ डंग कंपोस्ट डाल सकते हैं या लिप कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे एक महीने में एक बार डालते रहिए। आप इस प्लांट को जमीन पर लगा रहे हैं तो साल में 2 या 3 बार ही फर्टिलाइजर दें। क्रेप मर्टल प्लांट को सॉइल जो है वो मॉइस्ट पसंद है। आप हमेशा इसके सॉइल को मॉइस्ट रखें, ओवर वाटरिंग से बचें। ओवर वाटरिंग से प्लांट खराब होने का डर रहता है। विंटर सीजन में इस प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। उस समय ज़्यादा ठंड होने की वजह से कभी कभी इसके लीफ भी गिर जाते हैं और प्लांट देखने में बिल्कुल सूखा सा लगता है, क्योंकि ये एक वूडी प्लांट है। लेकिन जैसे ही मौसम में गर्माहट आती है फरवरी मंथ में, फिर से नए नए सूट आते हैं और ग्रोथ होने लगती है। और सबसे जरूरी बात, इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट पसंद है, तो पॉट को ऐसे जगह पर रखें जहां कम से कम 6 घंटे की धूप मिले। अच्छी धूप मिलने से अच्छी फ्लावरिंग होती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको क्रेप मर्टल प्लांट ग्रो करने में हेल्प करेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।